नमस्कार, रोजाना किचन में आपका स्वागत है। मैं अनीता आज आलू टिक्की चाट की रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए बनाना शुरू करते हैं। 2 कप मटर लिए हैं, उसमें पानी डाल करके 4 से 5 घंटे तक उसे सोक करने छोड़ देंगे, या होल नाइट भी आप छोड़ सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से फूल गया है। अब उसे 3 से 4 पानी धो करके इसे कुकर में डाल करके 3 से 4 कप पानी डाल करके 1/2 चम्मच नमक डाल करके उसे 4 से 5 सीटी लगा लेंगे मीडियम आंच पे। आप अपने सुविधा अनुसार लगा लें। ये देखिए इस तरह से पक जाना चाहिए। मटर तैयार हो गया है। एक कढ़ाई को गर्म करके 3 टेबल स्पून ऑयल को गर्म कर लेंगे और 2 प्याज बारीक कटा हुआ उसे डाल करके उसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हल्का सा फ्राई हो गया है। 1 टीस्पून हल्दी डाल करके उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 टेबल स्पून हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट है उसे भी डाल करके मिक्स कर लेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च और नमक स्वाद के अनुसार डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 चम्मच पानी डाल करके उसे धीरे धीरे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, तेल दिखने लगा है। और ये उबाला हुआ मटर जो है उसे डाल करके गैस को आँच को सिम कर लेंगे और सारे मटर को डाल करके मिक्स कर लेंगे। इसे ढककर 5 मिनट तक इसे पका लेंगे ताकि मसाला का जो फ्लेवर है वो मटर में अच्छी तरह से आ जाए। ये देखिए आ गया है। अब इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल करके मिक्स कर लेंगे। ये मटर तैयार हो गया है छोले। चलिए अब टिक्की बनाते हैं। 4 बड़े आलू लिए हैं, उसको उबाल करके मैश कर लिए हैं। उसमें नमक स्वाद के अनुसार, अरारोट 2 टीस्पून, धनिया का पत्ता थोड़ा सा, प्याज 1 बारीक कटा हुआ डाल करके उसे अच्छी तरह से मिक्स कर करके टिक्की बना लेंगे गोल गोल। ये देखिए इस तरह से टिक्की बनकर तैयार है। एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल करके उसे गर्म कर लेंगे और उसमें टिक्की को सेकेंगे। एक से दो मिनट में ये एक तरफ लाल हो रहा है, तो अब इसे पलट लेते हैं। आँच मीडियम ही रखें और धीरे धीरे जो सिकता है तो आलू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए कितना अच्छा आलू का टिक्की सिककर तैयार हो गया। जैसे ठेले पे देता है ना, सुपर टेस्टी लगता है खाने में, उसी तरह से ये खाने में लगेगा। एक बार आप ज़रूर बनाइए इस तरीके से, तो आपको पसंद आएगा। टिक्की बन गया है, चलिए अब सर्व करते हैं। ये प्लेट में आप टिक्की को रख लेंगे। इसमें चाट को डालेंगे आप, इसे चाट को डाल करके इसे कवर कर लेते हैं। ये दही है, दही थोड़ी खट्टी ही रहे। 2 चम्मच दही डाल करके इमली, 2 छड़ी इमली को फुला करके उसका पल्प निकाल लिए हैं। 2 चम्मच इमली डाल करके थोड़ा सा प्याज, अगर आप खाते हैं तो प्याज डालें, थोड़ी सी धनिया की पत्ती, जीरा पाउडर थोड़ा सा सेव और लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा डाल करके इसे सर्व करेंगे। ये देखिए टिक्की चाट बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। ठेले जैसी टिक्की चाट है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी। एक बार आप ज़रूर बनाकर खाइए, अच्छे कमेंट दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।